अस्सलामुअलैकुम जनाब, की हाल चाल ने? ठीक हो दोस्तों? आज दा व्लॉग शुरू करते हैं। असी अज देखते हैं मकई केड़ी पोजीशन चे आ गई है सेल जाली, ते थानू भी दिखाने हैं मकई छली बनी है कि नहीं बनी, सारा विजिट करते हैं। अज दा व्लॉग शुरू करते हैं, चलते हैं व्लॉग की तरफ, मकई दे तरफ। ते चलते हैं मकई वाली साइड, तो थानू भी लैके जाने मकई वाल, तो मकई दे कोल जाके पहुँच के मिलते हैं। मकई दे कोल पहुँच गए असी, मोटरसाइकिल नूं कर लैने असी बंद ताकि पेट्रोल जाया ना हो, बहुत महंगा अजकल पेट्रोल भी। दोस्तों मकई माशाल्लाह तैयार आ, थोड़े दिन होर हैगे आ, इन्हों छली लग चुकी है। अंदर जाके भी विजिट करते हैं मकई के बच्चे जाके, बसो छली लगती पी है, देखो माशाल्लाह टांडा भी काफ़ी मोटा वा मकई का। ये तकरीबन महीने महीना मैक्सीमम 20-25 दिन जड़ा ना ये तैयार हो जाएगी, फिर यदा बनावे सैलेज, तो थानू सैलेज भी दिखावे। जिन्हां भाइयों ने मेरा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया, ओहो डिग चला सी मैं, वो सबसक्राइब कर लैन। तो देखो माशाल्लाह काफ़ी हाइट आ, मेरी हाइट तो भी उत्ते जा रही है, तो यदा माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार सैलेज बनेगा। देखो छली लगती पी है, इनू हाले दाना नहीं बनया, हाले बेच जो गुठली जी बनती पी है। तो इस तो अलावा जो सैलेज बनेगा वो भी थानू विजिट करावे इंशाल्लाह। तो जिन्हां भाइयों ने मेरा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो। इधर एक गन्ना लग्या होया साडा, देखो माशाल्लाह इत्थे तकरीबन साड़ी है 4-5 एकड़ मकई हैगी आ, होर भी है तकरीबन साड़ी 15-16 एकड़ मकई असी काश्त करी दी है, जड़ी तकरीबन 6 महीने चल जाती है। तो जिन्हां भाइयों ने हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लैन ताकि थोड़े तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, मेरा व्लॉग पहुँचता रहे। ये देखो तो सिट्टा भी निकल रहा वा, देखो अंदर काफ़ी बड़ी आ, अंदर तक जा नहीं सकते, मकई काफ़ी बड़ी आ। चलो दोस्तों असी अपनी सब्जी भी खुद काश्त करते हैं, मैं क्या थानू सब्जी भी दिखा दिए। ये देखो भिंडी, तोरी, टमाटर वगैरह, बैंगन वगैरह, प्याज सारा कुछ लगाया होया, तो ट्यूबवैल चल रहा वा, पानी मकई नू लगता पिया वा। तो थानू भी दिखाने ट्यूबवैल का पानी चेक कराने, माशाल्लाह मोटर लगी हुई है, बिजली तो चल रहा, पानी भी बेहतरीन आ, पेठे दियां वेलां लाइया हुई कुछ, सब्जी में भी पानी लग चुका वा। गंदम की कटाई जड़ी वह भी शुरू आ, सामने देखो थानू नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा जहा जूम करके दिखा दें, तोड़ तो उत्थे तक मैं जा नहीं सकता, अंदर तक काफ़ी दूर आ, मेरा हैगा भी रोज़ा तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा। थानू जूम करके दिखा दें, गंदम की कटाई जड़ी है शुरू आ, देखो गंदम की कटाई शुरू आ। तो कल ईद भी आ, कल छुट्टी होएगी, फिर तो आ पिन्ने पैने बनने वास्ते गंदम नू, ते जिहड़े फार्मर हजरात हैगे आ लाइफ स्टॉक दे च हैगे आ, उन्हां नू चाहिदा अपनी मकाई काश्त करन, ठेके ते रकबा लैण, अगर अपना रकबा है नहीं, अपना रकबा है तो बहुत ही अच्छी गल आ। दिखाण दा मकसद यही आ, थोड़े विच भी शौक पैदा होवे, बहुत अच्छा बिजनेस आ, तुसी सैलेज बना के सेल भी कर सकते हो, अपने जानवरों नू भी खवा सकते हो, पूरा साल टेंशन नहीं रहिंदी पट्ठे होण या ना होण,
लेकिन सैलेज थोड़े को मौजूद हुंदा, जानवर भी थोड़ा तंदुरुस्त रहिंदा, दूध भी दिंदा, दूध की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। तो जिन्हां भाइयों ने कुछ पूछना हो कमेंट्स पूछ सकते हैं। देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगती पई है, हाइट भी काफ़ी आ मकाई की, दाना हाले बनया कोई नहीं, छली बनती पई है। तो जिन्हां भाइयों ने मेरा चैनल हाले तक सबसक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सबसक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो दे नाल मिलांगे, अगले व्लॉग दे नाल मिलांगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।